अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। ट्रूडो फिलाडेल्फिया में बैनुल अक्वामी यूनियन कन्वेंशन में तकरीर करेंगे। ट्रूडो को 21 मई को सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के कन्वेंशन से खिताब के लिए मदऊ किया गया। ट्रूडो की अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्के। कनाडा के जंगलात की आग ने तेल की पैदावार वाले इलाकों को खतरे में डाल दिया। हजारों लोगों के लिए इनखला के अहकाम जारी। कनाडा की जंगलात की आग का धुआं अमरीकी रियासतों तक फैलने लगा। टोरंटो के मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर एलन टी विला ने इस्तीफा दे दिया। इनका कहना था कि अपने खानदान के साथ ज्यादा वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ। इनका इस्तीफा 31 दिसंबर 2024 में नाफिजुल अमल होगा। रफा में सिहोनी फोर्सेस और हमास के दरमियान शदीद लड़ाई। 24 घंटों में मजीद 82 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने तिबी इमारतों को निशाना बनाने की बदतरीन रिवायत बरकरार रखी। दुबई लीग्स में भारतीय सबसे आगे। मोदी के दोस्तों की जायदादें भी निकल आईं। 29,700 भारतीयों की 17 अरब डॉलर की जायदादें दुबई में है। भारत से दुबई में जायदादें बनाने वालों में ज़्यादातर सनअतकार हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अगले हफ्ते शुमाली अमेरिका की सबसे बड़ी यूनियन में से एक से खिताब में अमेरिका के साथ कनाडा के तजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए तैयार हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो अगले हफ्ते शुमाली अमेरिका की सबसे बड़ी यूनियंस में से एक से खिताब में अमेरिका के साथ कनाडा के तजारती ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए तैयार हैं। ट्रूडो के दफ्तर का कहना है कि उन्हें 21 मई को सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के 4 साल नॉर्थ अमेरिकन कन्वेंशन में खिताब के लिए मदऊ किया गया है। ये तकरीर ऐसे वक्त में सामने आई है जब कनाडा डोनाल्ड ट्रंप के लिए दूसरी सदारत के इम्कान की तैयारी कर रहा है, जिसने पहले ही धमकी दी है कि वो कनाडा से दरामदात समेत तमाम दरामदात पर 10% टैरिफ लगाने की धमकी दे चुके हैं। SEIU ने दौड़ में सदर जो बाइडन की हिमायत की है। इसके 20 लाख से ज़्यादा मेम्बरान हैं, जिनमें से कुछ कनाडा में भी शामिल हैं। सेहत की देखभाल, रेस्टोरान, सिक्योरिटी, स्कूलों और हवाई अड्डों समेत मुतादिद खिदमात की मुलाजमतों में कारकुनों की एक वसी रेंज की नुमाइंदगी करते हैं। फिलाडेल्फिया में ट्रूडो की अमरीकी कारोबारी रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्के है। पेंसिल्वानिया अमरीका में कनाडा के सबसे अहम तजारती ताल्लुकात में से एक है, जिसकी दो तरफा तजारत 2023 में $27 बिलियन से ज़्यादा थी। कैनेडियन कंपनियाँ पेंसिल्वानिया में 25,000 से ज़्यादा कारकुनों को मुलाजमत देती हैं। कनाडा के जंगलात की आग ने तेल की पैदावार वाले इलाकों को खतरे में डाल दिया। फोर्ट मैकमुरे के जनूबी सिरे में 4 महलों के हजारों रिहायशों को इनखला का हुक्म दे दिया गया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा के जंगलात की आग ने तेल की पैदावार वाले इलाकों को खतरे में डाल दिया। फोर्ट मैकमुरे के जनूबी सिरे में 4 महलों के हजारों रिहायशों को इनखला का हुक्म दिया गया था, क्योंकि अल्बर्टा शहर में जंगल की आग फैलने का खतरा था, जिससे 8 साल पहले की तबाहकुन आग की यादें ताज़ा हो गईं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अल्बर्टा के इलाके फोर्ट मैकमरे से 6,000 अफराद का इनखला किया गया है। एडमिंटन में अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ ने मुक्न्ना को बताया कि जंगल की आग से बेघर होने वाले 7 दिन के बाद $1,250 फी बालिग और $600 फी बच्चा वसूल करने के अहल होंगे। हुकाम का कहना है कि ब्रिटिश कोलम्बिया में
फोर्ट नेल्सन के करीब लगी जंगलात की आग बेकाबू हो गई है। कनाडा की जंगलात की आग का धुआं अमरीकी रियासतों तक फैल रहा है। मोंटाना, साउथ डिकोटा, नॉर्थ डिकोटा समेत कुछ अमरीकी रियासतों में हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया गया है। टोरंटो की मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर एलियन डी विला ने ऐलान किया है कि वो इस दिसंबर तक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगी। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। टोरंटो की मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ डॉक्टर एलन डी विला ने ऐलान किया है कि वो इस दिसंबर तक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएंगी। उन्हें पहली बार 2017 में टोरंटो पब्लिक हेल्थ की क़यादत के लिए मुकर्रर किया गया था और उसने पिछले 7 साल पूरे शहर में सेहत आमा की कोशिशों में सबसे आगे गुजारे हैं। उनका इस्तीफा 31 दिसंबर 2024 से नाफजल अमल होगा। डी विला का अपने वीडियो बयान में कहना था, मेरे ख़ानदान के साथ कई महीनों की दिली बातचीत के बाद और अपने मुस्तकबिल के रास्ते के बारे में सोचने और दोबारा जायज़ा लेने के लिए कुछ वक्त निकालने के बाद मैं अपनी पेशावराना ज़िंदगी के अगले बाब को शुरू करने और अपने ख़ानदान के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने के लिए तैयार हूँ। टोरंटो की मेयर ओलिविया चाउ ने एक्स पर एक पोस्ट में डॉक्टर डी विला की क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आपने दयानतदारी और हमदर्दी के साथ वबाई अमराज के दौरान एक नाकाबिल यकीन हद तक मुश्किल और गैर यकीनी वक्त के ज़रिए टोरंटो पब्लिक हेल्थ को नेविगेट किया। बतौर मेयर मैं अपने शहर को सेहतमंद रखने के लिए आपके काम के लिए शुक्रगुजार हूं। डॉक्टर डी विला ने अपने पैगाम में मजीद कहा, मैं ये भी मानती हूं कि अब हम टोरंटो पब्लिक हेल्थ की क़यादत करने के लिए सेहत के एक नए मेडिकल ऑफिसर को मुंतकिल करने की अच्छी पोजीशन में हैं, क्योंकि हम COVID-19 की वबा के बाद एक तंजीम के तौर पर मुस्तहकम हो रहे हैं। शुमाली गजा के जबालिया और जनूबी रफा में फ़लस्तीनी मुसलह ग्रुपों के खिलाफ इसराइली फ़ौज की दरानंदाजी में शिदत आ गई है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शुमाली गजा के जबालिया और जनूबी रफा में फ़लस्तीनी मुसलह ग्रुपों के खिलाफ इसराइली फ़ौज की दरअंदाजी में शिद्दत आ गई है। साथ ही उन इलाकों में हमास के जांबाजों और सहयूनी अहलकारों के दरमियान हथियारों की जंग भी शदीद हो गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास और इसराइल की फ़ौज की जानिब से एक दूसरे के शदीद जानी नुकसान के दावे सामने आ रहे हैं। ताहम इस दौरान गुज़िश्ता कई हफ्तों में एक ही दिन में होने वाली हलाकतों की सबसे ज़्यादा तादाद है। इजरायली फ़ौज ने कहा है कि आज सुबह गजा की पट्टी से जनूबी इसराइल के शहर सदीरत की तरफ 2 मिसाइल दागे गए। इब्तदाई तौर पर फ़ौज ने कहा कि उसके फ़िज़ाई दिफा ने प्रोजेक्टाइल को रोक दिया था, ताहम बाद में उसने तस्लीम कर लिया कि उनमें से एक मिसाइल शहर में गिरा जिससे काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इजरायली फोर्सेज ने तिबी इमारतों को निशाना बनाने की बदतरीन रिवायत बरकरार रखी है। इलाके में मौजूद अलजजीरा के नामा निगारों ने तस्दीक की है कि इसराइली गोलाबारी ने गजा शहर के साबिरा महल्ले में ओनरवा क्लिनिक को निशाना बनाया जिसमें कम अज़ कम 10 बेघर फलस्तीनी मारे गए। शुमाली जबालिया में इसराइली टैंक गुंजानाबाद महलों और तंग गुजरगाहों में भी दाखिल हो गए हैं, जहाँ इसराइली फोर्सेस ने पहले हमला नहीं किया था। ऐसी जगहों पर उन्हें फलस्तीनी जंगजुओं की जानिब से शदीद मज़ाहमत का सामना है और इस्लामी जहाद के अस्करी विंग का कहना है कि उसने मुतादिद इसराइली फ़ौजियों को हलाक और ज़ख्मी किया है। वाज़े रहे कि 7 अक्टूबर से गजा पर इसराइली हमलों में अब तक कम अज़ कम 35,173 फ़लस्तीनी शहीद और 79,061 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद बच्चों और ख़वातीन की है। दुबई लीग से मुताबिक दुबई में 29,700 भारतीय बाशिंदों की 35,000 जायदादें हैं, जिनमें घर, दफातर, शॉपिंग मॉल और फैक्ट्रीज वगैरह शामिल हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। दुबई में घर खरीदने और असासे बनाने वाले गैर मुल्कियों में भारतीय शहरी अव्वल नंबर पर हैं। दुबई लीग से मुताबिक दुबई में 29,700 भारतीय बाशिंदों की 35,000 जायदादें हैं, जिनमें घर, दफातर, शॉपिंग मॉल और फैक्ट्रीज वगैरह शामिल हैं। भारतीय शहरियों की दुबई में इन जायदादों की कुल मालियत 17 अरब डॉलर है। इस तरह भारतीय दुबई में जायदाद बनाने वाले गैर मुल्कियों में अव्वल नंबर पर हैं। दुबई में जिन भारतीयों की जायदादें हैं उनमें मोदी के दोस्त और एशिया के अमीर तरीन अफराद में से एक गौतम एडवानी के भाई भी शामिल हैं। मुकेश अंबानी की भी जायदादें हैं। भारत से दुबई में जायदादें बनाने वालों में ज़्यादातर सनतकार हैं, जबकि कुछ सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और शोबिस शख्सियात वगैरह के नाम भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। इस रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि दुबई को दुनिया का जदीद तरीन और तरक्की याफ्ता शहर बनाने वालों में एशियाई ममालिक के सरमायाकारों का भी बड़ा हाथ है और उन ममालिक के कई शख्सियात की अपने मुल्क से ज़्यादा दुबई में जायदादें हैं। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान निम्रा कंवल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।